दोस्तों जब हम कभी किसी विदेश में जाते हैं और वहां पे हमारी कंट्री का कोई व्यक्ति हमें मिलता है तो हम बहुत ही जल्दी उससे क्लोज हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लेते हैं और आपस में बहुत सारी बातें भी होती हैं, चाहे बाहर विदेश में मिले या अपने ही देश में दो स्टेट के लोग मिल जाते हैं। जैसे बिहार के व्यक्ति जम्मू में गया और जम्मू में उसे कोई बिहार का व्यक्ति मिल जाता है तो बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाती है और खुशी भी होती है। दोस्तों यही होता है लोन के केस में भी, जब लोन हमें लेना है तो लोन के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है कि लोन मिलेगा कैसे, लोन मिलना कहाँ से है, लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जिससे जब हम मैनेजर से बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके, वो हमसे क्लोज हो सके, उसे पता हो कि भैया जो व्यक्ति आ रहा है मेरी ही फील्ड का है, इसको भी बैंक की नॉलेज है। जिस तरह हम जाते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो जो बैंक मैनेजर है सोचता है कि भैया जब मैं इससे डिस्कस करूंगा, मैं उससे कुछ बात बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको पता होगा तो बात करने में मजा आता है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, डिस्कशन होता है। तो यही सबसे बड़ा रूल है लोन लेने का। और इसी सीरीज में दोस्तों मैंने मुद्रा लोन के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैंने 4 वीडियो बनाई है। पहली वीडियो में बताऊंगा आपको मैं कि 10 बड़ी बातें कौन सी हैं जो आपको मुद्रा लोन लेने से पहले पता होनी चाहिए, जैसे मुद्रा लोन है क्या, कौन कौन से बैंक देते हैं, कौन सी वेबसाइट है जहां पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए बनेंगे और कौन कौन से बैंक है, इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या सारे बैंक देते हैं या कुछ ही बैंक देते हैं, अगर बैंक वाला मना करता है कि हम मुद्रा लोन नहीं देते तब मुझे क्या करना है। एक बार दोस्तों और बता दूं, जो कह रहे हैं लोग कि लोन नहीं मिल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि लॉकडाउन के बाद से 1,15,00,000 लोगों को लोन बांटा जा चुका है, मुद्रा लोन की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, यानी कि डेली 1,00,000 लोगों को डेली मुद्रा लोन मिल रहा है। तो ये सोचना कि भैया मुद्रा लोन नहीं मिल रहे हैं गलत बात है, प्रॉब्लम कहां है अभी आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। और दोस्तों ये बात जो मैंने कही है 1,15,00,000 लोगों को लोन मिल चुका है, इसका प्रूफ का लिंक मैंने अपनी कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, आपके लिए करके चेक कर सकते हैं। सरकारी जो वेबसाइट है mudra.org.in इस पे जाके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आगे तक जरूर देखिए और मेरी मुद्रा लोन के जो 4 पार्ट है, जो मैं 4 पार्ट बनाए हैं, चारों पार्ट को देखिए जिसमें मैंने बताया है कि मुद्रा की 10 बड़ी बातें कौन सी है, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने पड़ेंगे मुद्रा लोन लेने से पहले, चाहे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं चाहे मैनुअल अप्लाई कर रहे हैं बैंक जाके, तीसरी वीडियो में अगर आप मैनुअल अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना कैसे है और उसकी कौन कौन सी बारीकियां हैं जो आपने ध्यान रखनी है, जो सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बता सकता है आपको। चौथी चीज, ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन भरते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं बिजनेस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। मेरी ईमेल आईडी, आप मेरी ईमेल आईडी के थ्रू भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए पहली बात जो आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, जो मुद्रा लोन के बारे में बता रहा हूँ मैं 10 बातें हैं कि एक सबसे पहले तो ध्यान रखिए मुद्रा लोन एक MSME लोन का ही पार्ट है। मैंने पहले भी बता रखा है वीडियो में कि बहुत सारे MSME की स्कीम है जो लोन मिलता है, MSME एक टॉप क्लास का हेड है उसके अंतर्गत लोन मिलते हैं, जैसे मुद्रा लोन है आपका, CGT MSME, PMGP, ये सब मुद्रा के पार्ट हैं। तो ध्यान रखिए मुद्रा लोन जो एक MSME लोन ही है। लोग मेरे से कई बार कहते हैं सर हमें MSME लोन लेना है, बैंक में जाके भी बोलते हैं कि हमें MSME लोन लेना है, इसका मतलब ये कि MSME लोन में से कौन सा लोन लेना है ये बताइए बैंक को। अब सबसे पहला पॉइंट दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 10 में से, पहला पॉइंट मुद्रा लोन के टाइप। आप जब लेने जा रहे हैं मुद्रा लोन, मैं बता दूं मुद्रा लोन की जो फुल फॉर्म है वो ये है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, MUDRA, यहाँ से लेके बना है मुद्रा लोन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं मुद्रा लोन। जब आप कोई लोन लेने जा रहे हैं दोस्तों, आप मुद्रा बोल रहे हैं तो मैं समझता हूँ आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए मुद्रा बोलते हैं, मुद्रा में भी बहुत सारे टाइप है, यानी कि पहले ये MSME लोन है, MSME के अंदर मुद्रा आता है, मुद्रा के में भी तीन टाइप के लोन है। तीन टाइप के लोन से मतलब है कि ये अमाउंट वाइज कैटेगरी है। शिशु लोन, शिशु जो बोलते हैं दोस्तों, अगर मुझे 50,000 तक का लोन लेना है, मैं रेहड़ी लगाना चाहता हूँ, मैं एक अंडे की रेहड़ी है तो उसके लिए, या रिक्शे चलाना चाहता हूँ, कोई भी है ठेला चलाना चाहता हूँ और मुझे सिर्फ 50,000 के लोन की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा बैंक से कि मुझे मुद्रा के अंदर शिशु लोन चाहिए। एक पेज की इसकी एप्लीकेशन है,
इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है कि जो एक पेज की एप्लीकेशन है उसे भरते कैसे हैं, और दोस्तों इसकी अप्रूवल 7 से 10 दिन के अंदर आ जाती है और बहुत ही जल्दी ये लोन मिल जाता है। पहला शिशु हो गया, अगला है किशोर, यानी कि मुद्रा के अंदर ही अगला टाइप है किशोर का, जिसके अंदर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है। इसकी 3 पेज की एप्लीकेशन है, इसकी भी मैंने वीडियो अलग से बनाई है 3 पेज की एप्लीकेशन की, आपको मैं समझाऊंगा कि 3 पेज की एप्लीकेशन कैसे भरते हैं। पहला हो गया मेरा, दूसरा हो गया, अब मेरा तीसरा टाइप है इसमें तरुण, यानी कि 5 लाख से लेकर 10 लाख तक अगर आपको लोन लेना है 7 लाख रुपये का, तो आप बैंक वाले को बोलोगे भैया मुझे मुद्रा के अंतर्गत तरुण लोन लेना है, तरुण नाम है। 3 पेज की इसकी भी एप्लीकेशन है, जो मैंने बताया वीडियो बनाई है मैंने 3 पेज की, उसमें समझाया है डिटेल में कि 3 पेज की एप्लीकेशन कैसे भरेंगे। तो अब आपके पास 3 टाइप का मुद्रा के अंदर शिशु हो गया आपका, किशोर हो गया और तरुण हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि जब आपको बैंक को बोलना है जाके कि मुझे मुद्रा लोन लेना है, तो आप पता कर लीजिए आपको अमाउंट कितना लेना है, और आपको इतना अमाउंट लेना है उसके हिसाब से नाम क्या बोलना है, शिशु, तरुण या किशोर। दूसरा पॉइंट दोस्तों, कौन अप्लाई कर सकता है। पहला पॉइंट मुझे पता चल गया कि मेरे को लोन कितना लेना था, दूसरा मुझे देखना है कि कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ट्रस्ट, कोई भी जो छोटा बिजनेस चला रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, ट्रेडिंग का बिजनेस हो, शॉपकीपर वाले, फ्रूट्स की दुकान खोलनी है आपने छोटी सी, ट्रक ऑपरेटर है, आपने कोई छोटा ट्रक लेना है जिसमें 10 लाख की हेल्प चाहिए आपको, कोई आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं फूड सर्विस का, कोई रिपेयर की शॉप खोलना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप कार का एक छोटा सा गैरेज लेके रिपेयर का काम करना चाहते हैं, डेंटिंग पेंटिंग का, धुलाई का, कोई मशीन ऑपरेटर है, स्मॉल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसर, कोई भी, चाहे रूरल में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, सभी के लिए जो पूरी डिटेल है दोस्तों, कितने बिजनेस हैं ऐसे जिसको मिलता है, उसकी डिटेल मैंने अपने कमेंट बॉक्स में डाल दी है। आप कमेंट बॉक्स से डिटेल में चेक कर सकते हैं कि भैया कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मुद्रा लोन लेके काम कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, मैंने बताया कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें सारे लोग आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं, लेकिन स्मॉल स्केल पे होना चाहिए। मैंने एक छोटी सी दुकान खोली है, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा प्लान लगा रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट सिर्फ 10 लाख का ही है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, गिरवी, क्या मुझे जो लोन लेना है चाहे वो 50,000 का लेना हो या 5 लाख से 10 लाख का लेना हो, क्या मुझे कुछ गिरवी रखनी पड़ेगी। कोई कोलेटरल या सिक्योरिटी मुद्रा लोन में नहीं देनी है। मैं बहुत क्लियर हूँ कि कोई भी आपको कोलेटरल या सिक्योरिटी मुद्रा लोन के अंदर नहीं देनी है। आप जाएंगे, 1 पेज का या 3 पेज की जो एप्लीकेशन है वो भरेंगे, अगर मैनुअल भर रहे हैं, और उसको लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, लोन देता कौन है, मुझे जाना कहाँ पर है। जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, गवर्नमेंट हैं और NBFC बैंक हैं, जितने भी हैं सारे मुद्रा लोन देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बता दूँ बात कि जितने भी बैंक हैं देते तो हैं, लेकिन ब्रांचेस के अंदर कंडीशन होती हैं। जैसे RBI ने कंडीशन लगा रखी है कि जैसे प्रॉफिट हो, उसकी रेशियो अच्छी हो, कुछ कंडीशन है जो RBI लगाई है कि अगर बैंक वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो ही लोन मिलेगा। जैसे आप अपने एरिया की ब्रांच पे गए, हो सकता है वो ब्रांच बहुत स्मॉल लेवल पर हो, वो क्राइटेरिया फुलफिल ना करती हो, उसने आपको मना कर दिया, वो SBI की ब्रांच है भले ही, तो उस ब्रांच पे ना जाके उसकी दूसरी ब्रांच पे जाएं जो वो लोन देता हो। हो सकता है कि वो ब्रांच वाला लोन मुद्रा लोन ना देता हो। अच्छा, मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे तरुण लोन लेना है या 5 से 10 लाख का लोन है, तो मुझे फीस कितनी लगेगी, मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा। देखिए, शिशु और किशोर यानी कि 50,000 वाला जो लोन है और 50,000 से 5 लाख तक का जो लोन है, उसके लिए कोई फीस नहीं देनी। यानी आपने सिर्फ 1 पेज की एप्लीकेशन इसके लिए, 3 पेज की एप्लीकेशन इसके लिए भरनी है, और आपको 1 रुपया भी नहीं देना। हाँ, जो तरुण लोन है जहाँ 5 से 10 लाख लेते हैं, उसकी 0.50% टैक्स लगता है। मतलब क्या, इसका बैंक वाला अपने चार्जेस लेगा। यानी कि मैं अगर तरुण लोन लेने जा रहा हूँ, मैंने कहा मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, 10 लाख का लोन के लिए मुझे तरुण के अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, और 10 लाख का 0.5% 5,000 रुपये प्लस GST 900 रुपये, यानी कि आपको 5,900 रुपये का बैंक के नाम पर चेक देना पड़ेगा फीस की प्रोसेसिंग के लिए। तो देखिए, जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो कम से कम ये रुपया तो आपके पास होना ही चाहिए। अच्छा, किस लिए मिलता है, मेरे को जरूरत किस चीज़ की है। भैया मुझे टैक्सी चलानी है, मिलेगा। टेम्पू खरीदना है, उसके लिए भी मिलेगा। मुझे कोई मशीनरी लेनी है, उसके लिए मिलेगा। वर्किंग कैपिटल यानी कि मुझे माल खरीदना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, रेंट पे करना है, सब चीज़ों के लिए मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट थी, तो मैंने दोस्तों से क्या करा, अपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाइए,
उसको देखिए कि कौन कौन सा बिजनेस है। आपको फिर भी लगता है कि भैया मेरा बिजनेस इसमें नहीं दिखाई दे रहा, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए कि भैया मेरे बिजनेस के लिए मुद्रा लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने साल के लिए मिलता है, अवधि कितनी है लोन की। देखो मुद्रा लोन जो दोस्तों 3 से 5 साल के लिए मिलता है, इसका जो इंक्लूडिंग है मॉरेटोरियम 6 महीने के लिए, ठीक है। तो आप 3 से 5 साल तक इसको अवेल कर सकते हैं, इसकी रीपेमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने 10 लाख लिया है, 10 लाख के लिए आपको 5 साल मिलेंगे, 5 साल में इसको पे करिए। इंटरेस्ट कितना लगता है, ब्याज कितना लगता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, वो सोचते हैं 2% है, 1% है या फ्री मिलता है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है 8 से 12% है। अभी 2% की इसमें छूट चली दोस्तों, सरकार ने 2% की जो ब्याज दर है वो बढ़ा दी है, यानी कि फ़ायदा और मिल रहा है। अगर किसी बैंक का रेट 10% है तो आपको 8 मिलेगा, पहले 12 था तो अब 10 मिलेगा। ये वैरी करता है बैंक टू बैंक, बैंकों का अलग अलग हिसाब है। अब दोस्तों 9वीं पॉइंट आपको बता चुका हूँ, 9वां पॉइंट मुद्रा की जानकारी लेनी है। मैं पढ़ना चाहता हूँ भैया ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है मुद्रा की, मुझे पता तो चाहिए, मुझे जाना कहाँ है, पढ़ना कहाँ है, देखना कहाँ है, क्या सरकार ने कोई ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है। मैं भी आपको इस तरह की बातें बता रहा हूँ तो मैंने भी तो कहीं से पढ़ी होंगी। तो दोस्तों उसकी वेबसाइट ये रही www.mudra.org.in, इसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पर फिर भी दोस्तों जितने भी टॉपिक थे मैंने वीडियो बना दी है और वीडियो को समझा भी दिया है, और टॉपिक पे कितनी बातें ध्यान रखनी है, कौन कौन से कागज लगने हैं, मैनुअल कैसे फॉर्म को भरना है, तो मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही वेबसाइट पर जाइएगा। 10वीं बात दोस्तों, मैंने फाइनल कर लिया कि मेरे को लोन कितने का लेना है, मुझे फीस का पता चल गया, मुझे बैंक का भी पता चल गया, सब चीज़ें जान चुका हूँ मैं। बैंक ने हाँ भी कर दिया कि हाँ आइए लोन लीजिए। अब मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, काफ़ी अच्छी वीडियो है वो, प्रैक्टिकल जिस तरह से हम बनाते हैं लोगों के डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या उसके अंदर अटैच करते हैं, कितनी फोटोकॉपी लगाते हैं, कितने सेट बनाते हैं उसके, वो सब मैंने बनाया है। आशा करता हूँ आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे, समझेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों ये थी मुद्रा लोन की 10 बड़ी बातें। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि भैया मुझे मुद्रा लोन लेने से पहले इन 10 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी था, ताकि जब आप बैंक मैनेजर के पास जाके डिस्कस करें कि भैया मुझे मुद्रा लोन लेना है, वो आपसे जब डिस्कशन करे तो आपको उसको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके, आपस में मिलाप हो सके कि भैया दोनों को बातें पता थी, हमें भी पता है हम लोन लेने जा रहे हैं, बैंक मैनेजर जो लोन देगा उसको भी पता है। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनता है, बातचीत बढ़ती है, एक विश्वास जुटता है कि भैया जो व्यक्ति लोन लेने आया है उसको नॉलेज है, पढ़कर आया है, समझ कर आया है, तो लोन का भी थोड़ा ध्यान रखेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मुद्रा लोन की 10 बड़ी बातें कौन सी हैं और हमें मुद्रा लोन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी फॉर्मेट चाहिए हो, कुछ भी रिलेटेड है, आप अपनी ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नंबर मैंने अपना दे ही रखा है, हर एक वीडियो में नंबर देता हूँ अपना मैं। फिर भी आपको लगता है कुछ क्वेरी स्पेशल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ लीजिएगा, मैं इसका डेली बेसिस पे जवाब देता हूँ। दोस्तों अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है और आपका रेड बटन शो कर रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मुद्रा लोन से रिलेटेड सरकार की कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी योजना है लोन से जुड़ी हुई, तैसे ही सरकार अपडेट करे, मैं इस चैनल पे वीडियो डालता हूँ और आपके पास वो वीडियो तुरंत पहुँच जाए। साथ में दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या लोन के किसी भी पहलू को लेकर और आप कोई डॉक्यूमेंट चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, साथ में अपनी ईमेल आईडी भी लिख दीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी फॉर्मेट चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम आपको वो पहुँचा सकें। साथ में दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको लगता है आप मेरे से पूछना चाहते हैं, उससे पहले मेरे चैनल पे एक बार देख लीजिएगा, मैंने लगभग सभी टॉपिकों पे वीडियो बना रखी हैं, चाहे वो आपकी कोई भी MSME स्कीम हो कि कौन कौन सी MSME स्कीम है, बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है, नए बिजनेस को MSME लोन कैसे मिलेगा, या MSME में सरकार के जितने बड़े फैसले हैं वो देखना है, या कितने करोड़ का लोन बढ़ चुका है और वो लोन कैसे बटा है। साथ में आपको ये भी देख सकते हैं कि MSME से रजिस्ट्रेशन से लोन कैसे मिलेगा, और MSME के लिए अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। तो आपसे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरे को फ़ोन करने से या कमेंट डालने से पहले एक बार चैनल पे विजिट जरूर कर लें, ताकि आपकी जो क्वेरी है, हो सकता है वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।